मिनिस्टर मोदी की ईडी और सीबीआई सब जगह जारी की नहीं। आज नरेंद्र अरविंद केजरीवाल क्या चली गई, कल गई थी वो मलिक साहब के यहाँ, उससे पहले गई झारखंड के उस मुख्यमंत्री को ले गई। रोज पढ़ते हो ना आप लोग, विपक्ष के नेताओं के यहाँ सारी एजेंसियां दौड़ रही। आप लोगों को मैं बता दूं, जरा ये मुंह में जवान लाओ, इन्होंने 6,700 करोड़ रुपए पिछले 6 साल में बांड के रूप में बीजेपी ने चंदा लिया और उसमें से लगभग 300-350 करोड़ रुपए किससे लिया पता है? उन कंपनियों से लिया जिनको ईडी की जांच चल रही थी। मध्य प्रदेश की एक शराब बनाने वाली डिस्टिलरी, उसके मालिक को अंदर कर लिया और जमानत दे दी और उससे 35 करोड़ रुपए का बीजेपी के कार्यालय में चंदा ले लिया। ये लोगों को बताओ डरने की क्या जरूरत है? और ये समझा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज सहारनपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी साथियों के साथ संवाद किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, प्रियव्रत सिंह, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी सहित स्थानीय सभी नेतागण उपस्थित थे। बता दें कि देश में निकाली जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस भी सक्रिय है। आगामी दिनों में यात्रा का मध्य प्रदेश में प्रवेश होना है। इसकी तैयारियां परखने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहारनपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों के संबंध में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि दोगुनी ऊर्जा से राहुल जी की इस यात्रा को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हम सबको जुट जाना है। कार्यकर्ताओं को याद रखना है कि जो पार्टी का कार्य पूरी लगन से करता, वही है असली कार्यकर्ता है। पटवारी ने कहा कि पिछले मुख्यमंत्री बेरोजगारी और झूठ के मामा थे, तो वर्तमान मुख्यमंत्री कर्ज और क्राइम के काका बन गए हैं। 2 माह में प्रदेश में इतना क्राइम हुआ है जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में जो वादा करती है वह पूरा नहीं करके लोगों को धार्मिक और भावनात्मक रूप से चुनाव में धकेल देती है। लाडली बहना, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी सहित तमाम वादे भाजपा ने किए थे लेकिन पूरे नहीं किए हैं। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान पाने वाले कुछ लोग आज संघर्ष के दौर में पीछे हटते जा रहे हैं। ऐसे लोगों से भाजपा संपर्क करती है और उन्हें ले लेती है, लेकिन हमारे लिए सम्मानित वो लोग हैं जो अपने छोटे से व्यवसाय या नौकरी के साथ साथ निडर होकर कांग्रेस की विचारधारा के लिए डटे हुए हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं पर हमें गर्व है।